हेलो एवरीवन, आज हम डेक्कन स्कूल की पेंटिंग करते हैं। इस पेंटिंग का नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। आर्टिस्ट अननोन है, सब स्कूल है हैदराबाद। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, एच से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, एच से हैदराबाद, ये आप थोड़ा लिंक करके इसको याद रखना। मीडियम जो है टेम्परा ऑन हैंडमेड पेपर पे ये बनी है। कलेक्शन इस टाइम ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। सब्जेक्ट मैटर देखें तो इसमें जो है, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन बिटवीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट। दोनों के इसमें कोई डिस्कशन जो है वो बताई गई है। एंड अमीर खुसरो जो थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। ये दोनों ही सूफी संत जो हैं अपने टाइम के माने गए हैं। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब इसमें आप देखिए, अब ये जो पेंटिंग है ये टू पार्ट्स में है। अगर हम फोरग्राउंड में देखें तो जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और ये अमीर खुसरो हैं, ये एक रूफ़ के ऊपर बैठे हैं और किसी रिलीजियस सब्जेक्ट पे डिस्कशन चल रही है। अब जो रूफ़ है उसकी जो कारपेट है वो ऑरेंजिश से कलर की दिखाई गई है। दोनों ने मुस्लिम ड्रेसेस जो हैं वो पहन रखी हैं। अंगरखा स्टाइल की ड्रेस जो है अमीर खुसरो ने पहनी है। और जो अमीर खुसरो हैं उनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और जो अमीर खुसरो हैं उसने ब्राउन कलर की ड्रेस पहन रखी है और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है। अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं, और इन्होंने डिफरेंट टाइप की टर्बन पहन रखी है, अमीर खुसरो ने डिफरेंट टाइप की। दोनों की जो टर्बन है, जो पगड़ियाँ हैं वो डिफरेंट दिखाई गई हैं। अब जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, ये बहुत पहुँचे हुए सूफी संत अपने टाइम के हुए हैं। और इनका इंटेलेक्चुअल डेप्थ दिखाने के लिए, इनकी स्पिरिचुअलिटी दिखाने के लिए इनके पीछे एक हेलो सा दिखाया गया है, एक जो स्पिरिचुअल चक्रा है वो दिखाया गया है जिसमें से ऑरेंज रेज जो हैं वो निकल रही हैं। बिग वाइट बियर्ड दिखाई गई है इनकी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। और जो अमीर खुसरो हैं उनकी जो बियर्ड है वो ब्लैक दिखाई गई है। अब आप फ्रंट पार्ट पे देखिए, इसमें टू गार्डन्स दिखाए गए हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसमें रूफ़ की तरफ जाते हुए टू स्टेप्स भी दिखाई दे रहे हैं। साइड्स पे इधर देखें तो रेड वुडन ग्रिल्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसमें बैकग्राउंड में लाइट ब्लू कलर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और जो फ्लावर्स हैं कुछ पीछे, ये देखिए पीछे कुछ फ्लावर्स जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें एक चश्म और डेढ़ चश्म चेहरा जो है वो बनाया हुआ है। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो इसमें एक चश्म चेहरा है। अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें तो इनका डेढ़ चश्म चेहरा जो है वो इसमें हमें दिखाई दे रहा है। इनके पीछे एक बड़ा सा ट्री दिखाई दे रहा है जिसमें येलो कलर के फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं और हमें रेड एंड ग्रीन कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है ये एक मैंगो ट्री है। अब यहाँ पे देखिए, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनके पास एक रेड कलर की बुक पड़ी है और उस बुक के साथ बुक स्टैंड जो है वो भी दिखाई दे रहा है। बड़ी काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो ये पेंटिंग हमारी क्रिएट कर रही है। और इस पेंटिंग को देख के हमें पीस और कामनेस हमारे माइंड को भी फील होती है। ओवरऑल देखें तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग जो है बनाई गई है। अब हम इस पेंटिंग की ह्यूमन वैल्यूज़ देख लेते हैं। हर पेंटिंग जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अब हम देखते हैं इस पेंटिंग से हम क्या सीखते हैं। फर्स्ट थिंग जो हम इस पेंटिंग से सीखते हैं वो है रिस्पेक्ट फॉर योर गाइड्स एंड केयर फॉर द यंगर लर्नर्स एंड बिगिनर्स। कि अपने गाइड्स के लिए जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अगर कोई यंगर लर्नर है या बिगिनर है उसकी भी जो सीनियर है उसको केयर करनी चाहिए। सेकेंड चीज़ हम सीखते हैं कि ट्रू गाइडेंस कैन लीड अस टू द राइट पाथ। कि अगर राइट गाइडेंस मिल जाए, अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए तो हम अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आर्ट एंड टैलेंट। अब ये जो दोनों हैं, जो ये हमारे अमीर खुसरो हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, बहुत बड़े पोएट थे अपने टाइम के। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये भी बहुत बड़े संत हैं। बट यहाँ पे दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो हमें दिखाई दे रही है। फिर म्यूज़िक फॉर डिवोशन टू द डिवाइन। अब जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये जो स्टूडेंट हैं, ये अमीर खुसरो, ये एक पोएट भी थे और बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे। अब म्यूज़िक जो है डिवोशन से हमें डिवाइन की तरफ भी ले जाता है, वो भी हम इस पेंटिंग से सीखते हैं। और हम देखते हैं कि रिगार्ड फॉर जूनियर, यहाँ पे जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है उनका बड़ा रिगार्ड वाला बिहेव लग रहा है अमीर खुसरो के साथ। और हम देखते हैं इसमें कि रिस्पेक्ट फॉर ओल्डर गुरु और योर सीनियर। कि आपने अपने जो बड़े हैं आपसे, जो आपके गुरु हैं, उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, अपने सीनियर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है।
तो ओवरऑल देखें कि तो ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, अपने टाइम की एक मास्टरपीस है डेक्कन स्कूल का। आई होप आपको ये समझ आई होगी। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।